क्या ये डॉक्यूमेंट्री है या क्या ये कमर्शियल फिल्म है। जब कश्मीरी पंडित यहाँ से निकल गए उस वक्त गवर्नर राज था, जगमोहन साहब गवर्नर थे, बीजेपी की हुकूमत थी मरकज में। मैं तो उस फिल्म बनाने वालों से सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, क्या ये डॉक्यूमेंट्री है या क्या ये कमर्शियल फिल्म है। अगर ये डॉक्यूमेंट्री है तो फिर हम मान के चलेंगे कि इसमें जो आपने दिखाया सही दिखाया है, लेकिन फिल्म बनाने वाले भी कहते हैं कि इट इज़ बेस्ड ऑन रियलिटी बट इट इज़ नॉट अ डॉक्यूमेंट्री। उसमें तरह तरह के झूठ दिखाए गए हैं, बिलखसूस उस वक्त की हुकूमत के बारे में। हकीकत ये है कि जब ये वाकये हुए, जब कश्मीरी पंडित यहाँ से निकल गए, उस वक्त फारूक अब्दुल्ला वजीर आला नहीं था, उस वक्त गवर्नर राज था, जगमोहन साहब गवर्नर थे, वीपी सिंह साहब की हुकूमत थी, और वीपी सिंह की हुकूमत के पीछे कौन खड़ा था? बीजेपी। बीजेपी की हुकूमत थी मरकज में जब कश्मीरी पंडित यहाँ से चले गए। तो ये क्यों नहीं दिखाते हो आप पिक्चर में? फारूक अब्दुल्ला को तो आप दिखाते हो, लेकिन वीपी सिंह के पीछे बीजेपी को क्यों नहीं दिखाते हो? वीपी सिंह की हुकूमत थी उस वक्त जब निकले। तो ना ये सच्चाई के साथ इस तरह खिलवाड़ करना ये अच्छी बात नहीं है। और आपने सही कहा, यहाँ सिर्फ एक कौम ने कुर्बानियाँ नहीं दी। अगर कश्मीरी पंडित मरे हैं हमें उसका बेहद अफसोस है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या कश्मीरी मुसलमान नहीं मरे? क्या कश्मीरी सरदार नहीं मरे? अगर यहाँ लोग घर से निकल गए, बेघर हुए, तो उसमें सब मजहब के लोग शामिल हैं। मुसलमानों ने भी अपनी मकानें छोड़ के, कश्मीर छोड़ के, कुछ तो अभी तक वापस नहीं आए। हमारे सिख भाई बहन वो भी छोड़ के गए, हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन भी छोड़ के गए। हमें इस बात का अफसोस है और हम कहते हैं ना माहौल ऐसा बनना चाहिए कि ये वापस आए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो जो लोग ये पिक्चर बना रहे हैं वो इन लोगों की वापसी चाहते हैं। शायद इस पिक्चर से वो चाहते हैं कि ये लोग हमेशा के लिए बाहर रहें। लेकिन हमारी जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस है, हम उस शेर कश्मीर के सिपाही हैं, वर्कर हैं, जिन्होंने हमें ये नारा दिया। शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। हम उस बात पे कायम हैं और उस जम्मू कश्मीर को हम दोबारा कायम देखना चाहते हैं। देखिए 1987 से लगातार मिलिट्री चल रही थी। उस वक्त जब इलेक्शन हुए थे तो फारूक अब्दुल्ला ही चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन बाद में जब हालात बिगड़े तो उन्होंने इस्तीफ़ा देकर इस्तीफ़ा देकर के चले गए और देश से बाहर चले गए। तो कुल मिलाकर के मुझे ये कहना है मिलिटेंसी इन्हीं लोगों के दौरान हुई, इन्हीं की नीतियों के अनुसार हुई। उसी के कारण से जब इलेक्शन हुए तो लोगों ने कहा कि ये इलेक्शन ठीक नहीं है, कुछ लोगों को इन्होंने ज़बरदस्ती जिताया, इस प्रकार के ये लोग थे। तो आज जहाँ तक कश्मीर फाइल्स की बात है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या लासाकोल को नहीं मारा गया, नीलकंठ गंजू को नहीं मारा गया, टीकालाल टपलू को नहीं मारा गया, या 24 लोगों को लाइन में खड़े करके उनको गोलियों से नहीं उड़ाया गया? ये सच छुपाने की हमेशा कोशिश करते रहे। आज इनको पता है कि इनकी सरकारें रही उन्हीं के कारण से इस प्रकार से हालात बिगड़े थे। एक दिन में हालात नहीं बिगड़े थे, इन्हीं की जो सरकारें थी उसी दौरान हालात बिगड़े थे। तो सच को सच कहने की हिम्मत होनी चाहिए जो इनमें नहीं है, और अब उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने पूरी कोशिश की बॉलीवुड के माध्यम से, दूसरे माध्यम से इस फिल्म को फेल करने की, लेकिन वो हो ना सकी। हिंदुस्तान के लोग सच जानना चाहते हैं और उस फिल्म के माध्यम से उस त्रासदी का सच उनके सामने आया है।